देखिए हनुमान जी का मंदिर है, ये बाहर जाकर आप ऋषिक बुर्ज वगैरह नदी देख सकते हैं। ये जागरण फोर्ट का फ्लैग लगा हुआ है, कितनी लंबी इसकी दीवार है। मैं आपको बाहर एक्सटर्नल से कुछ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। टिकट खिड़की है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, आज संडे है, न्यू ईयर का मौका है। यहाँ पर पीपल का पेड़ के नीचे देवता विराजमान है। गागन फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2013 में थे। यह है चूड़ी बुर्ज, देखिए इसका प्लेक लगा हुआ है चूड़ी बुर्ज, और ये मेन गेट है। यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, और यह है गणेश बॉल। तो हम इसको देख लेते हैं, फोर्ट गागरन। दिस फोर्ट स्टैंड्स ऑन हार्ड रॉक सराउंडेड बाय रिवर्स आहू एंड कालिस एंड एक्सटेंड्स अप्रॉक्सिमेटली 3 kilometers इन एरिया। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल ट्रेडिशन द फोर्ट वॉज बिल्ड बाय डोडा परमार राजपूत एंड वॉज ऑक्युपाइड बाय खिची चौहान इन द लेटर हाफ ऑफ 12th century AD बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ दिस डायनेस्टी हु कंट्रीब्यूटेड टू द भक्ति मूवमेंट द फोर्ट रिमेंड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ होशंग शाह भीमकरण महमूद खिलजी राणा कुंभा सुल्तान बहादुर शाह एंड एम्परर अकबर लेटर ऑन औरंगजेब गेव द फोर्ट टू द महाराजा भीम सिंह ऑफ कोटा द हाड़ा रूलर एस्टेब्लिश दिस फोर्ट बाई इरेक्टिंग मैनी बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स इन इट द फोर्ट इज एनक्लोज बाई द ट्रिपल फोर्टिफिकेशन वॉल्स विद सूरज पोल भैरव पोल एंड गणेश पोल एज द प्रोमिनेंट एंट्रेंस इन दिस फोर्ट As Ram Burj and Dwar Burj as two strong bastions, palaces, pavilions, magazines, Johar Kund and temples are centers of attraction in this fort. This fort is a unique example of folk architecture and to categorized as water fort. ये है इसका details, सभी आ रहे हैं। ये बुर्ज, ये वाला बुर्ज है चूड़ी बुर्ज। ओके, यहाँ भी कुछ description है। The impressive fort built over several centuries, 18th AD, stands witness to many great battles, जो द युद्ध हुए यहाँ पर, एंड इज सराउंडेड बाय द ट्रैंक्विल वाटर्स ऑफ आहू एंड कालिस। इट वॉज वंस अ डीप मोट ऑन द रिमेनिंग साइड कम्प्लीटिंग इट्स डिफेंस। गागरन इज अमंग द रेयर फोर्ट्स विच आर बोथ अ वन एंड अ जंगल इज बोथ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एंड वाटर प्रोटेक्टेड द टेरिबल प्रैक्टिस ऑफ जौहर वेर इन वुमन इमोलेटेड देमसेल्व्स रदर देन फेस कैप्चर वॉज कैरीड आउट here twice recently this fort has been declared as the world heritage site by UNESCO this is the entrance